यहाँ पे कोई भी आम आदमी पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई सपोर्टर हो यहाँ पर, कांग्रेस का कोई सपोर्टर हो आप आइए ना, आम आदमी पार्टी से कोई है? इनकी बात का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी से कोई है? मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, हमारा किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं है। जो सच्चाई है ये कह रहे हैं कि उन्होंने 57,000 रुपये लिए और जो भी 1,000 रुपये यूनिट के हिसाब से जी। ये भी मेरे भाई हैं, इनकी अपनी विचारधारा, मेरी अपनी विचारधारा है, लड़ाई हमेशा विचारधारा की, कोई व्यक्तिगत नहीं है। इन्होंने कहा उन्होंने लिए, मैं कहता हूँ शुक्र है कोई ऐसा आया तो सही जिसने लेने के बाद दिए। आज तक कौन सी सरकार ने दिए मेरे को बताओ? 60,000 रुपये, 3,000 रुपये दिए तो क्या दिया? हमारा पानी आज तक खराब है, आगे देखिए, पहले पूरे जहाँ पे 20 साल भाजपा के विधायक रहे 24 घंटे पानी आता था, जहाँ पे लोग खड़े हैं पीछे बेरियोले बाग के लोग खड़े, पूछो 10 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आता, 5:45 लेडीज़ को उठना पड़ता है, रात को कोई लेडीज़ काम करके 10 बजे 11 बजे सोए, 5:45 सुबह उठे, शाम को 6 बजे मोटर चालू करे, 10 मिनट पानी आता वो भी गंदा, सड़कों की हालत आप ही आपने देखी है, 16 में से 6 गलियां खुदी पड़ी है, क्या काम करा इन्होंने? आपने बड़ी बात करी कि गंदे पानी वाली आपने बात उठाई, गंदे पानी की बात पर केजरीवाल जी ने ये कहा कि ये पानी है ये मैं पी रहा हूँ, ये दिल्ली का पानी है, ठीक है। मोदी सरकार उन पर लगातार आरोप लगाती रही कि हमने सर्वे कराया और गंदा। मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ सर, हम लोग कोई एक भी मुझे घर दिखा दो जिसके घर में आरो ना लगा हो, ये स्वच्छ पानी है तो आरो क्यों लगा हुआ है बताओ मेरे को? स्वच्छ पानी है तो आरो क्यों लगा हुआ है किसी घर में? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल के अपने दफ्तर के अंदर 16 आरो लगे हुए हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। ये क्यों लगा हुआ आरो या वाटर फिल्टर हो, ये आज के नहीं लगे, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है हम उसके साथ चलेंगे। ये तो रो प्रत्यारोप का मामला है, ये चलता रहेगा। केजरीवाल सरकार के ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगे, बिल्कुल लगे कि पानी आ रहा है तो अब गंदा आ रहा है, ये है। उन्होंने तो मनीष सिसोदिया ने यहाँ तक कहा, हम लोग भी टीवी चैनल देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, उन्होंने कहा यही दिल्ली का पानी पीएम आवास में जा रहा है, वो भी तो पी रहे हैं, या तो कह दे खराब पी रहे हैं। 16 आरो लगे सर, आरो सब BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आई थी 22 राज्यों की, उसमें सबसे दूषित पानी दिल्ली का था, वही तो उसमें आप देख सकते हैं, फ्री पानी नहीं चाहिए, साफ पानी चाहिए, पीने लायक पानी चाहिए, पैसे देना चाहते। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल क्लीन है दिल्ली का। सर आरो लगे उनके ऑफिस में 16 आरो। केजरीवाल सरकार ने इतना विकास किया है तो उनको अपने 24 MLO की टिकट कटवानी पड़ी, क्यों काट रहे हैं अगर वो तक काम कर रहे हैं? अगर मतलब उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, अगर आज उन्होंने यहाँ टिकट काटी, वो कह रहे हैं मेरी रिपोर्ट कार्ड के अंदर वो MLA फेल हो रहा है, मतलब उसने क्षेत्र में काम नहीं किया। अच्छा एक चीज देख सकते हैं, और उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो कि सुपर फ्लॉप कांग्रेस पार्टी, उन लोगों को टिकट नहीं दे रही उनको, मतलब कांग्रेस की जो पार्टी है वो भी उनको टिकट नहीं दे रही, वो कांग्रेस के फेल आए उन पार्टी में लोग, उनको टिकट नहीं दे रही। बड़ा आरोप केजरीवाल जी के ऊपर लग रहा है। जैसे ही मैं हरिनगर विधानसभा में पहुंचा, मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे ये बताया कि आम आदमी पार्टी का जो यहाँ से कैंडिडेट है वो कल रात तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ही सिटिंग MLA का टिकट काटकर आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, ये क्या राज है? बिल्कुल ठीक है, आपके पास जगह सही रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो रात को कांग्रेस छोड़ के आया, सुबह ज्वाइन किया और शाम को टिकट लेके चला गया। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज राजनीति में इस तरह का स्तर हो गया है कि दल बदल के, खरीद फरोख्त के, और जो भी तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, मैं इल्ज़ाम के सामने नहीं हूँ, किसी के अंदर नहीं बैठा, लेकिन एक चीज़ मान के चली जाए, ऐसा रातों रात क्या हो गया या ऐसी उस कैंडिडेट की क्या प्रसिद्धि आ गई जो केजरीवाल जी को अपने सिटिंग विधायक का टिकट फाड़ के किसी और को देना पड़ गया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस विषय में राजनीति जो है बहुत दूषित हो गई है, बहुत ज़्यादा दूषित है राजनीति, राजनीति में जो इस तरह का स्तर नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है आपकी बार दिल्ली में किसकी सरकार, केजरीवाल, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? मैं सरकारों पे नहीं जा सकता, दिल्ली बहुत बड़ी है, चुनाव है सर, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र तक सीमित हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा बाहर तक नहीं जा रहा। हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। मेरे अभी दोस्त बात कर रहे थे, हमारे चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी से? मैंने आपसे पहले भी कहा, हर कार्यकर्ता चेहरा है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हूँ, लेकिन अपनी विधानसभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। मेरे भाई ने अभी पहले बताया, हमारे विधायक 24 घंटे मिलते थे, मैं पूरी तरह सहमत हूँ अपने भाई से। बल्ली जी 1993 से 2013 तक विधायक रहे हैं, उससे पहले एक बार पार्षद रहे हैं, 24 घंटे बल्ली जी मौजूद थे, और बल्ली जैसा ना कोई था ना कोई होगा।
अब की बार क्या बल्ली जी को टिकट मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से? मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अगर पार्टी बल्ली जी को टिकट देती है तो ये हरिनगर की जीत निश्चित है। श्याम शर्मा है शायद उनका नाम, उनका नाम मेरे को लग रहा है कि उनका नाम आ रहा है। श्याम शर्मा जी भी है, पूर्व मेयर है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पर जनता के लोगों के और सीट निकालने के प्रबल दावेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केजरीवाल जी बैक मारेंगे या फिर कांग्रेस? देखो जी, केजरीवाल तो बुरी तरीके से हार रहा है। सबसे पहले वो गोवा हारा, उसके बाद पंजाब हारा, उसके बाद हरियाणा हारा, दिल्ली का नगर निगम चुनाव हारा, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारा, और इस बार विधानसभा चुनाव वो बिल्कुल हारेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा विधानसभा में बनेगी और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सीएम आएगा। सारे चुनाव वो हारता है, बताओ कौन सा चुनाव जीत रहा है वो? पिछले छह चुनाव में गिनवा दिया आपको, चलेगी दिल्ली में केवल झूठ की राजनीति है। 72,000 रुपए देश ने ठुकरा दिए तो ये तो 1,000-2,000 की बात है। केवल झूठ की राजनीति है, इश्तेहार की राजनीति है, ये फ्री दे रहा हूँ वो फ्री, कुछ फ्री नहीं है। बिजली के दाम आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो 2-3 महीने के लिए केवल एक जीरो बिल आपको दिखाई दे रहा है। पहले जो मेरे भाई ने अभी बात बताई है, 5% केवल एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता था, आज सर चार्ज है उसके ऊपर, ये चार्ज है किलो वाट फिक्स चार्ज जो है, जो पहले 2 महीने का बिल आता रहा लोगों का 2,200-2,300 रुपए, आज 1 महीने का 1,800-1,900 रुपए बिल आ रहा है। आपने सवाल उठाया है कि 1,800-1,900 रुपए बिल भी आ रहा है, लेकिन जीरो बिल लोगों का आ रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे को तो बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिला, बस की सुविधा फ्री मिल रही है। आपको क्या लगता है कि इन कामों पे वोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई साहब, पानी फ्री मिल रहा है मगर वो मिट्टी वाला पानी मिल रहा है, साफ पानी मिलना चाहिए। पैसे लो ना, हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे देने को हम तैयार हैं। बिजली कोई दो फ्री नहीं है, 31 मार्च तक का टारगेट है, एक आपको एग्रीमेंट भी हुआ है इनका कंपनी का, 31 मार्च के तक बिजली के बिल बहुत बढ़ जाएंगे अगर ये निकम्मा आता है तो। दिल्ली को पूरे 5 साल की सरकार चाहिए, 6 महीने की सरकार नहीं चाहिए। 4.5 साल आप कहते रहे मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, 6 महीने बाद आप कह रहे हो हम ये भी फ्री दे रहे, हमने बहुत काम कर दिया, जब काम करने नहीं दिया तो काम कहां से कर लिया आपने सर? उसके बाद आप फ्री क्यों कर रहे हो? जी जी, जब आपने काम किया तो। केजरीवाल जी के या इनके एमएलए का अगर काम की सच्चाई देखनी है ना, मायापुरी प्रेस कॉलोनी जाके देख लो, हर एरिया में एक एक पार्क जाके देखना कितना बुरा हाल है वहाँ पर। पानी क्योंकि यहाँ तो ये लोग पानी इनको फ्री मिलता होगा, हमारी कॉलोनी में पर है जो एम्प्लॉई है 600 रुपये कटता है। जो सच्चाई अगर आपको पता लगेगी ना केजरीवाल की, जैसे कि इनका जो एमएलए था जगदीप भाई साहब पीछे आए थे तो इनको काले झंडे दिखा के भगाया गया था। अभी इनकी वाइफ भी आई थी संडे को, उनके हाथ साथ भी, आप वहाँ विकास तो देखो क्या विकास किया है। आप किसी पार्क में खड़े नहीं हो सकते प्रेस कॉलोनी के, सरकारी कॉलोनी है ना, लाइट का वहाँ कोई वो है ना पानी का कोई, एक बार आप जाके देखो क्या हालत है। धरातल पे विकास नहीं हुआ है, सिर्फ वादे और वादे, कुछ लोगों को बांट के बातें नहीं है। आप जाके एक बार घूम के आओ, आपको पता लग जाएगा विकास, ये जो विकास विकास कहते हैं ना, आपको पता लग जाएगा। आरोप लगा रहे हैं 600 रुपये पर आदमी वहाँ पे एक देता है पानी के लिए, और पानी एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बस में सफ़र फ्री दे रहे हैं। भाई साहब ने बोला कि 31 तारीख तक इनका टेंडर हो रखा है, 31 तारीख के बाद कुछ फ्री नहीं। ऐसा तो नहीं कि 31 तारीख के बाद डबल लेना शुरू कर दे सरकार? देखो इसका औपचारिक रूप से क्या है हमें भी नहीं पता, हो सकता है भाई ने वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ देखा हो तो इनको पता हो, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता जी। बाकी जैसे कह रहे हैं कि चार्ज लग रहे हैं सरचार्ज, आप 2013 से पहले का देखो, 2013 से पहले भी सारे सरचार्ज लगते थे, आज कह रहे हैं 2013 से पहले अगर आप देखोगे सारे चार्ज थे, आप देखना 2013 से पहले सारे चार्ज थे। और उसके बाद अगर ये कहते हैं कोई चीज़ फ्री नहीं है या फ्री है, देखो हम सच्चाई पे चलेंगे, फ्री क्यों नहीं है? आज इतना बड़ा देश के अंदर नोटबंदी हो गई, ये हो गई इकॉनमी को उठाने के लिए, रेवेन्यू को उठाने के लिए, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गिरी पड़ी है, हर कोई भी आदमी इससे नकार नहीं सकता। आज वो इतना सा फ्री बांटने के बाद भी दिल्ली की आप निकाल के देखो रेवेन्यू अप है, रेवेन्यू डाउन है ही नहीं, उल्टा भारत सरकार का रेवेन्यू डाउन है, इकॉनमी डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करें तो अगर इतना कुछ बांटने के बाद भी रेवेन्यू बहुत ऊपर है दिल्ली का, आप बिल्कुल गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। बड़ा सवाल इन्होंने यही उठाया है कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि अगर मैं फ्री भी बांट रहा हूँ तो भी मैं दिल्ली को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ ठीक है। और यार बसें बोली थी, कितनी बसें आई? 100। दिल्ली में कोई एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना, बना आपके सामने, आप भी यहीं रहते हो हम भी यहीं रहते हैं, एक भी नया फ्लाईओवर दिखा दो। 5,000 स्कूल बोले थे कितने बने, 500 कॉलेज थे कितने बने, कॉलेज थे कहाँ गए, यूनिवर्सिटी थी कहाँ गई, 15,00,000 कैमरे थे कितने लगे, 4 कैमरे लगे हैं पीछे, एक गली में 2 कैमरे लगे हैं, टोटल 20 कैमरे लगे हैं 10 गलियों में, जिसमें से 10 वो भी नहीं चल रहे ठीक है।
तो रेवेन्यू कैसे नहीं बढ़ेगा सर? रेवेन्यू तो बढ़ेगा। आपने किया क्या काम? आपने पोल्यूशन के लिए क्या किया दिल्ली में? पोल्यूशन के लिए कितना बुरा हाल, आज भी पोल्यूशन बढ़ा हुआ, किस वजह से बढ़ा हुआ है? आपने किया क्या दिल्ली में पोल्यूशन के लिए? एक भी आप एयर प्योरीफायर नहीं लगवा पाए, सड़कें आप नहीं बना पाए, कोई एक भी नया फ्लाईओवर कुछ भी नहीं कर पाए आपने, तो रेवेन्यू तो बढ़ना ही था। जब आप कुछ पैसा काम कर ही नहीं रहे तो सरकार का टैक्स तो आ ही रहे ना सर, वो कहाँ यूज़ कर रहे हो आप?